फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बायो इथिक्स की बात करेंगे, यानी कि जैव नीति शास्त्र, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। दरअसल देखते हैं कि जीव विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हुई प्रगति से उत्पन्न नैतिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है बायो इथिक्स में। अब फ्रेंड्स, ये कौन से मुद्दे हैं, कौन सी जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो प्रगति है, दरअसल आपको यहाँ पे जानना होगा कि आज के समय में स्टेम सेल और सरोगेसी, पशु अधिकार इच्छा मृत्यु, ठीक है, जीन एडिटिंग, और ये अलग है थोड़ा, पशु अधिकार अलग है, इच्छा मृत्यु अलग है, इस तरह की जो तकनीकी उभर करके आई हैं, इसके परिणाम स्वरूप कुछ जो है समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, तो उसी के एवज में जो आवाज उठाई जाती है, उसी मुद्दे को यहाँ पे बायो इथिक्स कहा जाता है, यानी कि जैव नीति शास्त्र। अब दरअसल जब किसी भी सामाजिक मुद्दे का एक दबाव होता है, उस मुद्दे पर दबाव पड़ता है या उसका हनन होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके माध्यम से समाज के जिन नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है या उन्हें दबाकर कुछ विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उनके विरुद्ध आवाज उठाई जाती है। अब ये आवाज कौन उठा सकता है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आज के समय में आवाज उठा रही हैं, इसी प्रकार से गैर लाभकारी संगठन भी हैं। अब दरअसल यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर समझाएं अगर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जीन एडिटिंग दरअसल एक टेक्नोलॉजी होती है, हम उस टेक्नोलॉजी की यहाँ बात नहीं करेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए, तो अभी आपने देखा होगा कि चाइना ने जो है बंदरों की कई प्रजातियों को, बच्चों को जन्म दिया था, तो वहां पर ये आक्षेप लगाया जा रहा था कि इससे जो डिजाइनर बेबी पैदा किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, उनके जीन में जो चेंजेस होगा उसकी नैतिकता पर प्रश्न उठने लगेगा, या हो सकता हो इस प्रकार से जीन में एडिटिंग करके उस प्रकार से तैयार जो है बच्चे होंगे उनको आतंकी गतिविधियों के लिए यूज किया जाए। इसी प्रकार से दूसरा मुद्दा था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को लेकर के, जो कोई आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आदिवासी लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां थी उनको दिया जाता था, जिसका उन पर बैड इम्पैक्ट होता था, तो उसको भी लेकर के सरकार ने यहाँ पर बैन लगाया, तो वो बैन लगाया गया। वो इसी प्रकार से कई गैर लाभकारी संगठनों ने इसके लिए आवाज उठाई। इसी प्रकार से आप सारी चीजों को, आज एबोर्शन भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, यही प्रॉब्लम स्टेम सेल को लेकर के भी है, और सरोगेसी में भी आप देखते होंगे कि जो थर्ड तीन माता पिता होते हैं, तो वहां पर भी जो कभी कभी देखते होंगे जो सरोगेट मदर होती है उसके साथ हॉस्पिटल में कई भी प्रकार की जो है विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो वहां पर भी उसका कोई नियम कानून नहीं है। तो यहाँ पर भी सरकारी संस्थाएं हुई या गैर सरकारी संस्थाएं हुई या अंतरराष्ट्रीय संगठन हुए या कुछ जो है सामाजिक संगठन हुए, वो सरकार से इसके लिए आवाज उठाते हैं कि इस पर नियम कानून बनाया जाए। इसी प्रकार से आप इच्छा मृत्यु को देख सकते हैं, हमारे यहाँ जैसे क्या कहते हैं कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और सक्रिय इच्छा मृत्यु है, तो यहाँ पर भी लेकर के कुछ नैतिकता के सवाल जो है उठते रहते हैं। इसी प्रकार से पशु अधिकार या उनकी देखते हैं कि आए दिन जो है वो पशुओं की भी जीन एडिटिंग होती रहती है, तो इस प्रकार की जो भी मुद्दे उभर करके आते हैं उनके विरुद्ध जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रगति को ध्यान में रखते हुए, हालांकि इसके सकारात्मक लाभ जरूर होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेम सेल तकनीकी से अगर देखेंगे तो कैंसर हुआ, अल्जाइमर हुआ, रीढ़ की हड्डी में चोट अगर लग जाती है, तो इस तरह की लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव तो है, लेकिन जिस नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, उनका शोषण किया जाता है स्टेम सेल जो है लेने के नाम पे या एबोर्शन के नाम पे, जो भी उनका शोषण होता है, इसके विरुद्ध आवाज जब उठाई जाती है, तो वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बायोएथिक्स कहलाता है, जैव नीति शास्त्र कहलाता है। धन्यवाद।